हेलो एवरीवन। तो यार बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो वन क्वेश्चन जो लगातार मेरे से पूछा जा रहा है बाहर बिलावेड स्टूडेंट्स के, सर एज क्या रहने वाली है और एज कब से काउंट करी जाएगी नोटिफिकेशन में ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी। तो देखिए वीडियो को एंड तक देखना, एज रिलेटेड इशू आपके सारे क्लियर कर दूंगा मैं इसी वीडियो में, ठीक है? तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब देखिए एज अगर मैं आपसे बात करूं, लास्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से रहने वाली है 35, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, 32 नहीं रहने वाली है, 35 ही रहेगी। अब 35 में भी बहुत से कैंडिडेट्स का डर ये है कि सर काउंट कब से होगी, काउंट कब से होगी, 1 जुलाई से या 1 जनवरी से। अब आप एक चीज़ समझना, अगर नोटिफिकेशन का पीरियड जुलाई से दिसंबर के बीच में है, अगर दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाती है तो हमारी जो एज काउंट होगी वो ये होगी 1 जुलाई 2022। लेकिन अगर नोटिफिकेशन दिसंबर के बाद जनवरी में जाती है और अब ये जनवरी से जून के बीच में आती है तो हमारी जो एज काउंट होगी वो होगी 1 जनवरी 2022। आई बात समझ में? मान कर चलिए अब दिसंबर 31 दिसंबर तक अगर नोटिफिकेशन आ जाती है तो हमारा एज क्राइटेरिया यही रहने वाला है, ठीक है ना? ये यूपीएससी के एग्ज़ाम से मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी का जनरली यही पैटर्न रहता है। आईबीपीएस या एसबीआई में चेंज हो जाता है लेकिन यूपीएससी में यही पैटर्न रहता है। लेकिन अगर 1 जनवरी से और 30 जून तक आएगी नोटिफिकेशन तो हमारा जो एज मांगी जाएगी वो यहाँ तक मांगी जाएगी, ठीक है? तो बहुत से कैंडिडेट्स को इसमें डाउट इसलिए था कि शायद वो ओवर एज हो जाएंगे अगर ये नोटिफिकेशन में 1 जनवरी 2023 मांग ली तो, 2023 है, ठीक है? और उनका ये जो बात थी ये बिल्कुल सही भी थी, डरना लाजमी भी था इसमें, ठीक है ना? क्योंकि ओवर एज होने के बाद वो अप्लाई नहीं कर सकते इस चीज़ में, तो वो भी एक चीज़ थी, ठीक है? अब बाकी क्लियर हो चुके हैं, 35 एज है, दिसंबर तक नोटिफिकेशन आने पर 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है? एज का जो भी इशू है आपका वो मैंने आप सॉर्ट आउट कर दिया इस वीडियो में। बाकी और भी जो कैटेगरीज हैं, ओबीसी हो एससीएसटी हो, वो अपने हिसाब से एज रिलैक्सेशन अपना देख लेना, 3 साल 5 साल या जितना भी हो रहा है वहाँ पर, ठीक है? एज रिलैक्सेशन अपना देख लेना जो भी उनका हो रहा है। बाकी जो भी मैंने आपको बताया अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से बताया तो 35 एज होने वाली है, ठीक है? तो एज पर अब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई इशू या आपको कोई डर हो इसमें, एज जो होने वाली है वो यही होने वाली है। बाकी आप अपनी रेगुलर प्रिपरेशन करते रहिए। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड करा था कि 3 सब्जेक्ट्स कैसे आपके लिए मास्टर स्ट्रोक होने वाले हैं इस एग्ज़ाम में, उसको भी देखिए, समझिए पैटर्न को और एग्ज़ाम के पैटर्न सिलेबस के हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो में व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है इतना, यार सब्सक्राइब तो करें। जितने कम से कम कैंडिडेट्स देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।